हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रेंच लूपर फ्रूट के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन बना सकते हैं एक सिंपल से फ्रूट से। बेसिकली ये लूप बनाता है, यहाँ पे हम जिगजैग स्टिच यूज़ करते हैं। जिगजैग स्टिच से ये बार की इधर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड लूप बनते हैं और डिज़ाइन भी डेकोरेटिव आईलैशेस के लिए बहुत यूज़ हो सकता है। मल्टीपल लाइन बनाएंगे तो और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो चलिए आपको इंस्टॉल करना बताते हैं और इसको फैब्रिक को यूज़ करना। तो सबसे पहले तो अपना बेसिक रेगुलर फुट को ड्रॉप करके निकाल देना है और फुट को नीडल को ऊपर रख के फुट को बार के नीचे लाना है। नॉर्मल फूड की तरह डाल लगा दिया और ड्रॉप कर देना है। देखिए अभी आराम से लग गया है, बहुत ही फ्लेक्सिबल ऊपर भी हो जाता है थ्रेड काटने के लिए। तो अब इसको फैब्रिक पे करते हैं। तो देखिए स्मॉल सा फैब्रिक का पीस है, इस पर मैं लाइंस बना देती हूँ। और जब भी आप स्टार्ट करें तो स्क्रैप फैब्रिक पे पहले प्रैक्टिस करें और फिर बनाना शुरू करें। फुट को यूज़ करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब मशीन को अपनी सेट करें ज़िगज़ैग स्टिच पे, पहले तो चेक कर लें कि आपका ये नीडल आपके बार पे लड़नी नहीं चाहिए। तो पहले हाथ ट्राई कर लें, देखिए ये मेरा इधर जा रहा है और फिर वापस दूसरे साइड आ रहा है। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी नीडल टूट सकती है। तो सेलेक्टर मैंने अपने सी पे रखा है और स्टिच लेंथ मैंने 0 कर दी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऊपर से थ्रेड जा रहा है। बाद में निकाल के कट करते हैं। और ये देखिए जीरो पे एकदम काफ़ी घने ढेर सारे लूप्स बने, 3D इफेक्ट आ रहा है। अब इसके साथ अब एक तो आपने ये ऐसे बना लिए, देखिए काफ़ी सी इसको आप स्टेम बनाने के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सोइंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो उसको स्टेम बनाने के लिए भी अच्छा यूज़ किया जा सकता है। तो ये देखिए पीछे से अब इसको और डिफरेंट टाइप से कैसे यूज़ कर सकते हैं अब उसको उस तरह बताते हैं। तो आप दूसरा करते स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी हो गया। अब मैं इसको रेगुलर फुट लगा के एक सीधी सिलाई, यहाँ पे ऊपर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। मजबूत करने के लिए एक बार और लगा देते हैं सिलाई। अब बैक
कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे सिलाई हो गई है। अब मैं स्टिच ओपनर से यहाँ की सिलाई को काट देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई और यहाँ पे मैं इसको स्टिच ओपनर से काटती हूँ। स्टिच ओपनर या फिर छोटी आपके पास कैची हो उससे भी कर सकते हैं। किताब ऊपर बिठाया तो छुपने पे आ गया और ऐड कर दिया निकल गया। और ये देखिए कैसे छोटे छोटे लूप आपको खुले हुए दिखेंगे। इसको आप काफ़ी कहीं भी जगह यूज़ कर सकते हैं। आई लैशेज बनाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। आई लैशेज बहुत अच्छी बनती है इससे। एक आपने इधर क्या एक साइड आप लट के कर देंगी उसको कट कर देंगी तो आई लैशेज बहुत ही अच्छी बनेगी। और मल्टीपल लाइन करके आप कुशन कवर में बना सकती हैं। अब ये तो मेरा कट गया, अब मैं बनाऊँगी जिसमें लूप पूरे निकले हुए होंगे। उसको भी पहले फ्रेंच लूप से करते और फिर तो बॉबिन के मैंने थ्रेड चेंज कर दिए ताकि नीचे से जब हमको बॉबिन वाले थ्रेड को सिक्योर करना रहेगा तो आपको पता चले। देखिए ये हो गया है, पीछे मेरा बॉबिन थ्रेड है इधर साइड लगा देंगे। पहले फुट चेंज कर लेते हैं, साइड हम लोग सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट स्टिच पे बिल्कुल साइड पे। ये हो गया, ये हो गया। अब पीछे हम लोग बॉबिन के जो थ्रेड है उसको हटा देंगे। और अब ये बाहर पूरा इसको निकाल देंगे, ये पूरे पूरे लूप निकल आएंगे। तो ये देखिए इसके पूरे पूरे लूप बने हुए हैं और इसके मैंने काट दिए थे और ये सी एकदम स्ट्रेट है। तो
तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप मल्टीपल यूज़ करेंगे मल्टीपल थ्रेड में तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इसको रेनबो बना सकते हैं इस तरह। इसको आई लैशेस भी यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टेम बनाने के लिए क्विल्टेड प्रोजेक्ट में, या फिर किसी भी दो चीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप कर सकते हैं कि इसकी सिलाई इसको आप सजा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।